नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगड़िया के तेलिहार गांव से महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। देश भर के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले इस अभियान में शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, इस अभियान से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के संदेश के साथ देश में होगी योगाभ्यास की शुरुआत। और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश, सबसे अधिक अररिया में 90 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत तेलिहार गांव से हुई है। देश के 116 जिलों में यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बिहार के 32 जिलों को शामिल किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचा निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी। आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट गए। ऐसे में इन कुशल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मुझे, मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा
तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे, लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों के कौशल की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें उनके हुनर के हिसाब से रोजगार दिया जा सके। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों ने जिस तरह से संकट का सामना किया है वो शहरों के लिए एक बड़ी सीख है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांवों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के शुरू होने के कुछ सप्ताह के भीतर ही इस पर 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि 3 महीने में 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में सीधे डाली गई। उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मुखिया सहित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जीविका दीदियों से संवाद भी किया। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। यह अभियान उन जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। योजना को मिशन मोड में 125 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में वस्तु और सेवा कर, जीएसटी और आयकर में छूट दी जाए। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के प्रवासी कामगारों को काफी कष्ट हुआ है और अब वे बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते हैं और यही काम करना चाहते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में कोरोना संक्रमण के नए 90 मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 7,380 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की पहली अपडेट के अनुसार आज औरंगाबाद जिले में संक्रमण के सबसे ज्यादा 21 मामले सामने आए हैं। बांका में 18, समस्तीपुर में 15 और दरभंगा में 11 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जहानाबाद में 6, सुपौल में 5, मधेपुरा और पूर्णिया में 4-4 तथा पटना में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं वैशाली, भागलपुर, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में 1-1 मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में 5,367 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 1,51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। वहीं कोविड 19 महामारी से प्रदेश में 49 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर देश में कोविड 19 संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,95,048 हो गई है। कोविड 19 से ठीक होने की दर 54.12% है। अब तक देश भर में कुल 2,13,831 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,120 मरीज ठीक हुए। फिलहाल देश में 1,68,269 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस महामारी से देश भर में अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंस को अनिवार्य बताया है। नई दिल्ली स्थित एम्स की वरीय चिकित्सक डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को हाथों को बार बार धोने और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।
वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकेंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। देश में इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपने घरों में अपने परिजनों के साथ परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए योग करने की अपील की है। आयुष मंत्रालय ने लोगों से सुबह 7 बजे से अपने घरों में ही योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की है। लोगों की सुविधा के लिए कल सुबह 6:15 बजे से दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल का प्रसारण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ एक और बड़ी खगोलीय घटना वलयाकार सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। विश्व के कई हिस्सों में इसे कल देखा जा सकेगा। पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण मध्यम से तेज वर्षा हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश अररिया जिले में रिकॉर्ड की गई है। वहीं मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर, बांका, सीवान, दरभंगा, किशनगंज और पटना जिले में कई स्थानों पर 50 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में बारिश अच्छी होने के साथ कृषि कार्यों में भी तेजी आ गई है। अधिकांश जिलों में धान की रोपनी का काम शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अरवल जिले में इस खरीफ मौसम में 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले के आजमनगर, प्राणपुर और कदवा प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। निगरानी जांच ब्यूरो ने जहानाबाद जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक अनिल कुमार सिंह को 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक ने शिकायतकर्ता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी बनाने के एवज में घूस की मांग की थी। औरंगाबाद जिले में आद्रा नक्षत्र के अवसर पर सोमवार से शुरू होने वाला देव के सूर्य मंदिर, अम्बा के सतवाहिनी मंदिर और गजना धाम के प्राचीन मेलों को कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र में कोसी नदी की उपधारा में एक नाव पलट जाने से 2 लोगों की डूबकर मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगड़िया के तेलिहार गांव से महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। देश भर के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले इस अभियान में शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा इस अभियान से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के संदेश के साथ देश में होगी योगाभ्यास की शुरुआत। और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश, सबसे अधिक अररिया में 90 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिये, सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी।